हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निमय मिस्त्री। मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, तो आपको आज मैं बैक एक्सरसाइज के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो सबसे अच्छा बेहतरीन जो आपकी मसल ग्रो करेगा। तो आइए देखिए। हाँ, लेकिन वर्कआउट से पहले आप वार्मअप करिए कम से कम 10 से 15 मिनट। मैंने ऑलरेडी वार्मअप कर चुका हूँ, तो आप लोग जरूर वार्मअप करिए। मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ चिन्हप्स कैसे मारना है। सबसे पहले से चिन्हप्स मारना है, तो देखिए, तो हमारे से क्या बैक की मसल पूरा खिंच जाती है। तो सबसे पहले मारना आपको क्लोज करके ग्रिप, देखिए कैसे मारना है। ऐसे अंदर लेना आपको हाथ को, फिर ऐसे आपको ये वाला सेट करनी है। हाँ, 4 सेट करनी है, 10-10 के 4 सेट। तो आइए देखिए, नीचे बिल्कुल स्लो आ रहा है। ये मेरा दूसरी एक्सरसाइज है, डेडलिफ्ट है। तो डेडलिफ्ट को कैसे मारना, तो देखिए, ये बच्चे गलत मारते, ये कमर को रोल बनाते, तो देखिए कमर को कैसे रखना, सीधा 90 डिग्री एंगल पर रखना है। ये करना है आपको, फिर ऐसे बैठ होगा, स्ट्रेट बॉडी को स्ट्रेट, कमर सताओ, इसको रॉड को पेट के पास ले जाना। ये आपको 4 सेट करना है, 10-10 के रहा, और हर सेट में आपको वेट इंक्रीज करना है। जितना वेट इंक्रीज करोगे उतना बढ़िया। ये मेरा तीसरा एक्सरसाइज है बैक की फ्रंट की, तो इसे भी कैसे पकड़ना, तो देखिए जैसे चिनअप्स में आपने मारे थे सेम वैसे इसके भी 10-10 के 4 सेट करिए। तो देखिए कैसे इसको फ्रंट की कैसे पकड़ी है। तो सब पहला सेट है, इसको पहले करके पकड़ा है, ध्यान रॉड बिल्कुल बैंड हो रही, बॉडी बिल्कुल लॉन्ग होना चाहिए, थोड़ा आगे जाओ। बिल्कुल कमर को लॉक करके, और नीचे जब लाओगे आराम से होल्ड करना है 1 सेकंड के लिए, होल्ड, ये होल्ड, ताकि आपकी मसल्स को ब्लड फ्लो और तेज हो जाए फास्ट। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके चौथे नंबर पे आपको लेना है बैक लेग पुली, जिसे 10-10 के 4 सेट करने से भी। तो देखिए कैसे करनी है, ये नॉर्मल पकड़िए, ज्यादा वाइड नहीं पकड़ना, नॉर्मल तरीके से, ताकि आपको बैक तो नीचे लाओगे इसको नीचे लाने का मतलब होल्ड कर लीजिए, देख सकते हैं, 1 होल्ड होल्ड होल्ड। इसके बाद 4 सेट करके 10-10 के रहते हैं। इस एक्सरसाइज का नाम है सीटेड रोइंग। तो आपको कैसे मारना है, आप किसी ऊपर स्टेबल पे बैठिए और आपके फिर आगे वाला पुली नीचे होना चाहिए, तो आपके बॉडी को स्ट्रेट रखना है। जैसे आप स्ट्रेट रख बिल्कुल 90 डिग्री एंगल में, तो आपको सीधा लेके जाना चाहिए, फिर इसके तरफ से पीछे 1 सेकंड का होल्ड। सबको 4 सेट करनी है 10-10 के रख के, और हर से आपको वेट इंक्रीज करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज टीवर, बारबेल टीवर, तो इसके भी आपको 4 सेट करनी है 10-10 के, और हर सेट में आपको वेट इंक्रीज करनी है। तो देखिए इसका एंगल कैसा होना चाहिए, बिल्कुल 90 डिग्री
सबसे पहले आपको घुटना बैंड कमर स्ट्रेट करना है, फिर स्ट्रेट बॉडी लॉन्ग होना चाहिए, फिर इसको क्विज करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टॉप। इससे क्या होगा, आपका बैक की मसल पूरा एक्टिव हो जाएगा, तो आपकी इसमें ब्लड फ्लोइंग और तेज हो जाएगा। तो इसको आपकी 4 सेट करनी है, 10-10 के, और हर सेट पे वेट बढ़ा लिया। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये मेरा नेक्स्ट एक्सरसाइज डंबल रोइंग, इसके भी आपको 4 सेट लगानी है, और रेपिटेशन इसमें 12 से 15 रैप लगानी है 4 सेट। तो देखिए कैसे करना है इसका एंगल, जिसका भी एंगल सेम बॉडी को स्ट्रेट रखना है आपको, पैर लॉक, ये हाथ बैंड नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट बॉडी लॉक, आपको मसल्स को बस फील करना प्लीज आराम से। 2 इसको दोनों तरफ से करनी है, मैंने एक तरफ करा, मैंने ऑलरेडी वर्कआउट कर चुका हूँ, मैं थक चुका हूँ, मैं ये आपका लास्ट वर्कआउट। और आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर आई करें, और मेरे ये फर्स्ट आज यूट्यूब चैनल में आज वीडियो पहला वीडियो, और आप लोग अच्छा लगे लाइक करें तो मैं आगे और भी वीडियो ऐसे बनाते रहूँगा। तो थैंक यू।